जिस जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, शुक्रिया। रहीम, ये हमने आलू लिए हैं। रहीम, यहाँ हमने आलूओं को जो है वह चॉप्ड कर लिया है। 2 चम्मच लाल मिर्च, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा धनिया, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक का, थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ा सा गरम मसाला। बारीक चॉप्ड किया हुआ प्याज, 1.5 कप आटा हमने आलू में डाल दिए हैं। इसमें डालेंगे 1.5 कप जो था वो आटे का, चॉप्ड किया हुआ जो प्याज वो डालेंगे, 1 चम्मच जो है वो हम इसमें घी का डालेंगे। पे हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। हम इसको जो है वो हल्के हाथ के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें पानी नहीं अपने ज़्यादा डालना, क्योंकि आलू और नमक जो है वो अपना पानी जो पहले से छोड़ चुके होते हैं, तो पहले आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स हो चुका है, अब हम इसमें 1 कप पानी का डालेंगे। ठीक है, इसको अच्छी तरह से आप कर लें ताकि आपका जो है वो रोटी टूटे ना, और रोटी जो है वो बिल्कुल गोल गोल बने। इसको गूंदने के बाद हम फिर 5 से 7 मिनट के लिए रखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आटा हमारा गूंद चुका है, और अब हम इसको दोबारा से 5 से 7 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि रोटी जो है वो आसानी से बेली जा सके। आराम से ये बन गए हैं, बड़े आराम से इसके पेड़े बनेंगे। और अब जो है ये बड़े आराम से बेली जाएगी और बहुत मज़े की और बहुत क्रिस्पी रोटी बनेगी। देखिए, जितना चाहे आप इसको बेल लें, बारीक से बारीक बना लें। ये हम इसको बेल चुके हैं और आ डालिए। ठीक है, और बड़े आराम से हम जो है वो इसको तवे पे डाल देंगे। ये जो है वो डालेंगे, और जब हमारा पराठा जो है वो एक तरफ से तैयार हो जाएगा तो हम इसको जो है वो साइड चेंज कर देंगे। ये बड़े मज़े का पराठा बनेगा। मुझे उम्मीद है कि आप सबको जो है वो पसंद आएगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरी वीडियो को कमेंट्स भी दें, और प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। पराठा देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक तरफ से बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुका है। अब हमने इसकी साइड चेंज कर दी है। अब दूसरी तरफ से भी जब ये अच्छी तरह से हो जाएगा तो फिर हम इसको सर्व करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पराठा जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप इसको अचार के साथ पेश करें या दही के साथ पेश करें। और ये देखिए हमारा पराठा जो है वो कितना मतलब सॉफ्ट और क्रिस्पी बना हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और आप मेरी वीडियो को ज़रूर वायरल करेंगे। तो दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।